नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कैलकुलस के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज का दूसरे भाग देखेंगे कि पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन देखे थे, आज हम लोग 6 से आगे देखेंगे। नंबर 6 है, इसमें कहता है कि किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को चेक करना है। साथियों, इस प्रश्न को देखिए तो देखना है प्रश्न के किस बिंदु पर मोर आ रहे हैं, तो स्पष्ट देखना ऐसा से दिखाई पड़ता है क्योंकि 2 के पहले कुछ और है और 2 के बाद कुछ और है, यानी पॉइंट 2 है जो कि इसका एक क्रूशियल पॉइंट है। इस पॉइंट 2 पर हम चेक करेंगे, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ जाएगा इसका मतलब इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, और यदि बराबर नहीं आया तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, यानी इसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर 2 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। राइट लिमिट निकालते हैं तो इसका वैल्यू 1 आ गया, दोनों बराबर नहीं है। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन fx x बराबर 2 पर संतत नहीं है, यानी असंतत है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट x बराबर 2 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब यहां पर 2 पॉइंट देखिए, -3 और 1-3 है, तो पहले 3 पर देखेंगे, -3 पर देखा तो देखिए इसका लिमिट आ गया 6, +3 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और राइट हैंड लिमिट निकाले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर आ गया 6, राइट लिमिट पर भी आ गया 6, दोनों पर बराबर 6 आ गया। और f3 का मान भी -3 का मान भी देखेंगे तो -3 + 3 -3 का मोड 3 होता है, +3 यानी 6, तीनों बराबर आ गया, इसका मतलब हुआ कि -3 पर संतत है, -3 पर संतत असंतत नहीं है, -3 एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। लेकिन मुझे क्या पूछना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट किस पर है, अब देखेंगे 3 पर, 3 के पहले ही -6 हो जाएगा, 3 के बाद जब देखेंगे तो 6 + 18 अपने तो 20 हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है यह फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यह फंक्शन इस पर डिफाइन है, इसे भी चेक यही करना है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो यह दिखाई स्पष्ट पड़ रहा है कि बिंदु 0 है, 0 के पहले कुछ और है, 0 के लिए कुछ और है, 0 के बाद के लिए कुछ और है, तो हमें 0 पर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 के पहले के लिए, तो ये देखिए 0 के पहले का मतलब 0 से कम, 0 से कम का मतलब हो गया कम का मोड भी निकालेंगे तो प्लस ही रहेगा, लेकिन 0 से माइनस 0 से कम रहेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर पॉजिटिव है और उतना ही नहीं, नीचे निगेटिव है तो कट के कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 से बड़ा के लिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव कट के 1 हो गया, ये -1 और ये 1 है, दोनों बराबर नहीं है, 0 पर कह रहा है 0 है, यानी तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि fx x बराबर 0 पर संतत नहीं है, यानी असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। एंड द नेक्स्ट fx = x / x, 0 से छोटा के लिए ये है और 0 से बड़ा या बराबर के लिए -1। फिर यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट निकाले क्या आ गया, 0 से छोटा होने का ये तो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव कट के -1 हो जाएगा, 0 से बड़ा के लिए कह रहा है 0 से बड़ा के लिए -1, 0 के लिए भी -1 है, यानी तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब है x बराबर 0 पर ये संतत नहीं है, यानी इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इस पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 10 है, fx बराबर x प्लस 1 यदि x 0 से 1 से बड़ा या बराबर है, x² + 1 1 से छोटा है,
देखिए आपको हर एक क्वेश्चन बना करके दिखा रहे हैं ताकि आपको बनाने में कोई संकोच नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि आपने जो बनाया है आप इसे चेक कर सकते हैं कि मैंने सही बनाया कि नहीं। अगर आपका सही बनता है तो आपका कॉन्फिडेंस राइजअप होगा और आगे आप बनाने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं एक एक प्रश्न करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकोच न रहे कि मैं किसको कैसे हैंडल करूंगा, किस सिचुएशन में कैसे इसको बनाऊंगा। तो यहां पर एक पॉइंट मिला, एक लेफ्ट हैंड में निकाले तो दो आ गया, राइट निकाले तो भी दो आ गया, और एफ वन पर भी मान हमको क्या मिल रहा है, एक और एक दो ही मिल रहा है, तीनों पर बराबर आ रहा है। इसका मतलब है x बराबर जो एक है ये इस पर संतत है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ये फलन असंतत होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। संतत का मतलब कंटीन्यूअस होता है और असंतत का मतलब डिसकंटीन्यूअस होता है, यानी इसका कोई डिसकंटीन्यूअस पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दो से छोटा के लिए या बराबर के लिए ये है और दो से बड़ा के लिए इस पर प्लस 1 है। लेफ्ट इंटीमेट निकालते हैं तो 5 आता है, राइट इंटीमेट निकालें ये भी 5 आया, F2 का मान भी 5 आया, यानी ये भी कंटिन्यूअस है, x बराबर 2 पर संतत है, यानी इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए डिसकंटीन्यूअस होगा, यानी हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 12, x टू दी पावर 10 माइनस 1 x छोटा बराबर 1 के x स्क्वायर है जब x बड़ा है। देखिए आप के पास एक समस्या थी कि मैं हर प्रश्न को कैसे बनाऊं, आपकी सुविधा के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हर एक प्रश्न का सोल्यूशन आपके सामने उपलब्ध हो गया है। आप ऐसे ठाकुर सर चैनल को खोलिए, एनसीईआरटी के हर एक प्रश्न का उत्तर आप पाइए। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 आ गए हैं, लेफ्ट इंटीमेट निकालते हैं, एक्स टेंस टू माइनस 1 इस पर वैल्यू 0 आता है, इसी पॉइंट पर 1 पर राइट इंटीमेट निकालते हैं तो हमें 1 मिलता है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये x बराबर 1 पर यह असंतत नहीं है, असंतत है, डिसकंटीन्यूअस है, x बराबर 1 पर यह फलन असंतत है। क्वेश्चन नंबर 13, ये तीन रूप में परिभाषित है, 0 से 1 के लिए, 1 से 3 के लिए और 3 से 10 के लिए। अब हम एक पर देखते हैं तो एक से पहले के लेफ्ट लिमिट है वो 3 है, राइट लिमिट एक पर देख रहे हैं 4 है, इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर संतत नहीं है, असंतत है, डिसकंटीन्यूअस है। दूसरी पॉइंट 3 पर देखते हैं, 3 के पहले जो वैल्यू है वो 4 है और 3 के जो बाद वैल्यू है वो 5 है, दोनों बराबर नहीं है, यानी 3 पर भी ये संतत नहीं है, यानी डिसकंटीन्यूअस है। फंक्शन fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 3, यानी एक पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। साथियों इस तरह से हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल को मिलेगा, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इसके अगले क्वेश्चन को। आप इसमें से कोई प्रश्न आपको फिर से दुविधा बुझाए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी दुविधा को खत्म करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आप चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के।